इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय एक। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था, अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से ये कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौटे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें, जबकि वह स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन बनाता है और अपने सेवकों को दधकती आग। किंतु पुत्र के विषय में ईश्वर, तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक बना रहता है और उसका राज दंड न्याय का अधिकार दंड है। तुमने न्याय का पक्ष लेकर अन्याय से बैर किया है, इसलिए ईश्वर तुम्हारे ईश्वर ने तुमको साथियों के ऊपर उठाकर आनंद के तेल से तुम्हारा अभिषेक किया है। और फिर प्रभु, तुमने आदि में पृथ्वी की नींव डाली है, आकाश तुम्हारे हाथों का कार्य है, वे तो नष्ट हो जाएंगे किंतु तुम बने रहते हो, वे सब वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, तुम चादर की तरह उन्हें समेट लोगे, वे वस्त्र की तरह बदल दिए जाएंगे किंतु तुम एक रूप रहते हो और तुम्हारे वर्षों का अंत नहीं होगा। क्या उसने स्वर्गदूतों में किसी से कभी ये कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान न बना दूं? क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे? अध्याय दो। इसलिए हमें जो संदेश मिला है उस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम मार्ग से भटक जाए। यदि स्वर्गदूतों द्वारा दिए हुए संदेश का इतना महत्व था कि उसके प्रत्येक अतिक्रमण अथवा तिरस्कार को उचित दंड मिला, तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम उस महान मुक्ति का तिरस्कार करेंगे जिसकी घोषणा पहले पहल प्रभु द्वारा हुई थी? जिन लोगों ने प्रभु को सुना, उन्होंने उनके संदेश को हमारे लिए प्रमाणित किया। ईश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों, नाना प्रकार के महान कार्यों और अपनी इच्छा के अनुसार प्रदत्त पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा उनके साक्ष्य का समर्थन किया। ईश्वर ने उस भावी संसार को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है। इसके संबंध में कोई धर्म ग्रंथ में यह साक्ष्य देता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसके देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। वास्तव में हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ उसके अधीन है, परंतु हम यह देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। वह स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए
ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक हो, अर्थात ईसा को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए ईसा को उन्हें अपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती और वह कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा, फिर मैं उस पर पूरा भरोसा रखूंगा और फिर मैं और मेरी संतति जिसे ईश्वर ने मुझे दिया है हम प्रस्तुत हैं। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों के नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए ये आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। अध्याय 3। भाइयों, आप पवित्र हैं, एक स्वर्गीय बुलावे के सौभागी हैं, इसलिए आप हमारे विश्वास के प्रवर्तक और प्रधान याजक ईसा पर विचार करें, जिस तरह मूसा ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे उसी तरह ईसा भी ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे जिसने उन्हें नियुक्त किया। घर की अपेक्षा घर का निर्माता अधिक सम्मान के योग्य समझा जाता है, इसी तरह मूसा की अपेक्षा ईसा अधिक सम्मान के योग्य समझे गए हैं, क्योंकि हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है किंतु ईश्वर सभी वस्तुओं का निर्माता है। मूसा तो ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे किंतु सेवक के रूप में। भविष्य में ईश्वर के प्रकट होने वाले संदेश के विषय में साक्ष्य देने के लिए, जबकि मसीह ईश्वर के घराने का अध्यक्ष बनकर पुत्र के रूप में ईमानदार रहे। ईश्वर का घराना हम हैं, बशर्ते हम अंत तक वह भरोसा और आशा अक्षुण बनाए रखें जिस पर हम गौरव करते हैं। इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली, यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे। इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहें, आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर न बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण बनाए रखें। धर्मग्रंथ कहता है, ओ यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। जिन लोगों ने वाणी सुनकर विद्रोह किया वे कौन थे? निश्चय ही वे सब लोग जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से निकल आए थे। ईश्वर 40 वर्षों तक किन लोगों पर अप्रसन्न रहा? निश्चय ही उन लोगों पर जिन्होंने पाप किया था
और जो मरुभूमि में ढेर हो गए। उसने किन लोगों के विषय में शब्द खाकर कहा कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे? निश्चय ही उनके विषय में जिन्होंने विश्वास करना अस्वीकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। अध्याय 4। ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने की यह प्रतिज्ञा अब तक कायम है, इसलिए हम सतर्क रहें कि आप लोगों में कोई उसमें प्रवेश करने से न रह जाए। हमको उन लोगों की तरह एक मंगलमय समाचार सुनाया गया। उन लोगों ने जो संदेश सुना उन्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने सुनने वालों में विश्वास का अभाव था। हम विश्वासी बन गए हैं, इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं जिसके विषय में उसने कहा, मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर का कार्य तो संसार की सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया है, क्योंकि धर्म ग्रंथ 7वें दिन के विषय में यह कहता है, ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। और उपर्युक्त उद्धरण में हम ये पढ़ते हैं, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। यह निश्चित है कि कुछ लोगों को प्रवेश करना है, किंतु जिन लोगों को पहले वह शुभ समाचार सुनाया गया था वे अवज्ञा करने के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए ईश्वर एक दूसरा दिन निर्धारित करता है और वह बहुत वर्षों के बाद दाऊद के मुख से उपर्युक्त शब्द कहता है, ओ यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। यदि योशुआ उन्हें विश्राम स्थान में ले गए होते तो ईश्वर बाद में किसी दूसरे दिन की चर्चा नहीं करता। इसलिए अब भी ईश्वर के प्रचार के लिए एक विश्राम स्थान बना हुआ है। जो उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर पाता है वह अपना कार्य समाप्त कर उसी प्रकार विश्राम करता है जिस प्रकार ईश्वर ने अपना कार्य समाप्त कर विश्राम किया। इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करें जिससे कोई भी उन लोगों की अवज्ञा का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित ना हो, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। हमारे अपने एक महान प्रधान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। अध्याय 5। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भोले भटके लोगों के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्भरदावों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप ये गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है।
अन्यत्र यह कहता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्किसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसके संबंध में हमें बहुत कुछ कहना है, वह समझाना कठिन है क्योंकि आप लोगों की बुद्धि मंद हो गई है। इस समय तक आप लोगों को शिक्षक बन जाना चाहिए था, किंतु यह आवश्यक हो गया है कि आप लोगों को दोबारा ईश्वर की वाणी का प्रारंभिक ज्ञान दिलाया जाए। आप लोगों को ठोस भोजन की नहीं बल्कि दूध की आवश्यकता है। जो दूध से ही निर्वाह करता है वह बच्चा है और धार्मिकता की शिक्षा समझने में असमर्थ है। जबकि वयस्क लोग ठोस भोजन करते हैं, वे अनुभवी हैं और उनकी बुद्धि भला बुरा पहचानने में समर्थ है। अध्याय 6। इसलिए हम मसीह संबंधी प्रारंभिक शिक्षा से आगे बढ़े। मृत्यु की ओर ले जाने वाले कर्मों के लिए पश्चाताप, ईश्वर में विश्वास, शुद्धिकरण की विधियों से संबंधित शिक्षा, हस्तारोपण, मृतकों का पुनरुत्थान और अपरिवर्तनीय भाग्य निर्णय, हम फिर से इन बातों की नींव न डालें बल्कि प्रौढ़ शिक्षा की ओर बढ़े। यदि ईश्वर की अनुमति होगी तो हम वही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को एक बार दिव्य ज्योति मिली है, जो स्वर्गीय वरदान का आस्वादन कर चुके और पवित्र आत्मा के भागीदार बन गए हैं, जिन्हें सुसमाचार की श्रेष्ठता और आगामी युग के शक्तिशाली चमत्कारों का अनुभव हो चुका है, यदि वे पदभ्रष्ट होते हैं तो उन्हें पश्चाताप के मार्ग पर ले आना असंभव है, क्योंकि वे अपने ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर आरोपित करते और उसका उपहास कराते हैं। जो भूमि अपने ऊपर बार बार पड़ने वाला पानी सोखती और उन लोगों के लिए उपयोगी फसल उगाती है जो उस पर खेती करते हैं, वह ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करती है। किंतु यदि वह कांटे और ऊंट कठारे उगाती है तो वह बेकार है, उस पर अभिशाप पड़ने वाला है और अंत में उसे जलाया जाएगा। प्रिय भाइयों, यद्यपि हम इस प्रकार बोल रहे हैं, फिर भी हमारा दृढ़ विश्वास है कि आप लोगों की दशा इससे कहीं अच्छी है और आप मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया, संतों के जो सेवा की और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूं कि आपकी आशा के परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई न करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं, उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की। वह इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा
और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता। इससे हमें जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है यह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि हमें जो आशा दिलाई गई है हम उसे धारण किए रहें। वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है जो उस मंदिर गर्भ में पहुंचता है जहां ईसा हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेलकीसदक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। अध्याय 7। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहे थे तो सालेम के राजा और सर्वोच्च ईश्वर के पुरोहित वही मेलकीसदक उनसे मिलने आए और उन्होंने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उन्हें सब चीजों का दशमांश दिया। मेलकीसदक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है जिसका अर्थ है शांति के राजा। उनके ना तो पिता है ना माता और ना कोई वंशावली। उनके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश हैं और वह सदा पुरोहित बने रहते हैं। आप इस बात पर विचार करें कि मेलकीसदक कितने महान हैं। कुलपति इब्राहिम ने भी उन्हें लूट का दशमांश दिया। पुरोहित पदधारी लेवी वंशी संहिता के आदेशानुसार लोगों से अर्थात अपने भाइयों से दशमांश लेते हैं। यद्यपि वे भी इब्राहिम के वंशज हैं, किंतु मेलकीसदक लेवी वंशी नहीं थे। तभी उन्होंने इब्राहिम से भी दशमांश लिया और प्रतिज्ञाओं के अधिकारी को आशीर्वाद दिया है। अब ये निर्विवाद है कि जो छोटा है वह अपने से बड़े का आशीर्वाद पाता है। इसके अतिरिक्त दशमांश पाने वाले लेवी वंशी मरणशील मनुष्य हैं, जबकि मेलकीसदक के विषय में धर्मग्रंथ कहता है कि वह जीवित रहते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि दशमांश पाने वाले लेवी ने इब्राहिम के माध्यम से दशमांश दिया है, क्योंकि जब इब्राहिम से मेलकीसदक की भेंट हुई तो लेवी एक प्रकार से अपने पूर्वज इब्राहिम के शरीर में विद्यमान थे। इसराइली प्रजा को लेवियों के पौरोहित्य के आधार पर संहिता मिली थी। यदि इस पौरोहित्य के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो सकती थी तो यह क्यों आवश्यक था कि एक अन्य पुरोहित की चर्चा की जाए जो हारून की नहीं बल्कि मेलकीसदक की श्रेणी में आ जाएगा। पौरोहित्य में परिवर्तन होने पर संहिता में भी परिवर्तन अनिवार्य है। जिस पुरोहित के विषय में ये बातें कही गई है वह एक अन्य वंश का है और उस वंश का कोई भी व्यक्ति वेदी का सेवक नहीं बना, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है कि हमारे प्रभु यूदा के वंश में उत्पन्न हुए हैं और मूसा ने पुरोहितों के विषय में लिखते समय इस वंश का उल्लेख नहीं किया। ये सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेलकीसदक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसके विषय में धर्म ग्रंथ ये साक्ष्य देता है, तुम मेलकीसदक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। पुराना विधान शक्तिहीन और निष्फल होने के कारण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि संहिता पूर्णता तक कुछ भी नहीं पहुंचा सके। हमें इससे अधिक श्रेष्ठ आशा प्रदान की गई है और हम इसके माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। शपथ के साथ ही ईसा की नियुक्ति हुई थी, जबकि वे शपथ के बिना पुरोहित नियुक्त हुए थे, क्योंकि मसीह की नियुक्ति के समय ईश्वर ने शपथ खाई थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ कहता है। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तो मेलकीसदक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा जिस विधान का उत्तरदायित्व लेते हैं वह कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वे बड़ी संख्या में पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक
समय तक पद पर रहना उनके लिए संभव नहीं। ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। ईसा को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को प्रधान याजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के शपथ के अनुसार वह पुत्र पुरोहित नियुक्त किया जाता है, जिसे सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। अध्याय 8। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक प्रधान याजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि ईसा अब तक पृथ्वी पर रहते तो वे याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान है, यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो, जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वे एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इसराइल के घराने के लिए और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूँगा। ये उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए उनके हाथ थामे थे। प्रभु ये कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु ये कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इसराइल के लिए यह विधान निर्धारित करूँगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर इस विधान को नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया है। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है वह लुप्त होने को है। अध्याय 9। पहले विधान के भी अपने उपासना संबंधी नियम थे और उसकी अपने पार्थिव मंदिर भी था। एक तंबू खड़ा कर दिया गया था, उसके अगले कक्ष में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थी। वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था।
वहाँ धूप दान की स्वर्णमय वेदी और विधान की स्वर्ण से मढ़ी हुई मंजूषा थी। मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था। हारून की छड़ी थी जो पल्लवित हो उठी थी और विधान की पाटियां थी और मंजूषा के ऊपर प्रायश्चित का स्थान आच्छादित करने वाले महिमामय केरूबीम विराजमान थे। इन सब का विस्तृत विवरण यहाँ अपेक्षित नहीं है। यही मंदिर की व्यवस्था थी। उपासना की विधियां संपन्न करने के लिए याजक हर समय उसके अगले कक्ष में जाया करते थे, किंतु प्रधान याजक ही वर्ष में एक बार पिछले कक्ष में वह रक्त लिए प्रवेश करता था, जिसे वह अपने और प्रजा के दोषों के लिए प्रायश्चित के रूप में चढ़ाया जाता था। इस प्रकार पवित्र आत्मा यह दिखलाना चाहता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक परम पावन मंदिर गर्भ का मार्ग खुला नहीं है। वह वर्तमान समय का प्रतीक है, जहां जो भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, वे चढ़ाने वाले को आभ्यंतर पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकते। वे बाह्य नियम हैं, जो खान पान एवं नाना प्रकार के शुद्धिकरण विधियों से संबंध रखते हैं और सुधार के समय तक ही लागू है। किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा साड़ों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है, तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर ने जिन्हें बुलाते हैं, वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बने रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। वसीयत नामे के विषय में वसीयत कर्ता की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही वसीयत नामा कारगर होता है। जब तक वसीयत कर्ता जीवित है, तब तक वसीयत नामा कारगर नहीं होता। इसलिए रक्त के बिना प्रथम विधान का प्रवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि जब मूसा ने सारी प्रजा के सामने संहिता की सब आज्ञाओं को पढ़कर सुनाया था, तो उन्होंने जल, लाल ऊन और जूफे के साथ बछड़ों और बकरों का रक्त ले लिया था और उसे संहिता के ग्रंथ और सारी प्रजा पर छिड़कते हुए कहा था, ये उस विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने तंबू और उपासना में प्रयुक्त सभी पात्रों पर वह रक्त छिड़क दिया था। संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। जो चीजें स्वर्ग की जीसों के प्रतीक मात्र थी, यदि उनका शुद्धिकरण इस प्रकार की विधियों द्वारा आवश्यक था, तो स्वर्ग की चीजों के लिए एक श्रेष्ठतर बलिदान आवश्यक था, क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके।
थे। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा के लिए इस तरह अपने को बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्मा बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरे बार प्रकट हो जाएंगे पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनके प्रतीक्षा करते हैं। अध्याय 10। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। यदि वह इसमें समर्थ होती तो बलिदान समाप्त कर दिए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ चढ़ावा होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं, तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इस संबंध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास है। पहले वह बोलता है, प्रभु ये कहता है, मैं उनके लिए ये विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। और इसके बाद वह फिर कहता है, मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रहे। हम परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें। भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी परते से होकर जाता है। जब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है, जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं, इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को
स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले, हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञ है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भ्रातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम भाइयों की सभा से अलग न रहें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को धारस बंधाएं। जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता, एक भयानक आशंका ही रह जाती है न्याय की और एक भीषण अग्नि की जो विद्रोहियों को निगल जाना चाहती है। जो व्यक्ति मूसा की संहिता का उल्लंघन करता है, यदि उसे दो या तीन गवाहों के आधार पर निर्ममता से प्राणदंड दिया जाता है, तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वह रक्त तुच्छ समझता जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया था, और कृपा के आत्मा का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं और दंड के योग्य समझा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसने ये कहा है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा, और फिर प्रभु अपनी प्रजा का न्याय करेगा। जीवंत ईश्वर के हाथ पड़ना कितनी भयंकर बात है। आप लोग उन बीते दिनों की याद करें जब आप ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहें। आप लोगों में कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा, और कुछ इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहें। जो बंधी बनाए गए आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने, और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने ये सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़े, इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है, क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हटेगा तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में नहीं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। अध्याय 11। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है, और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। विश्वास के कारण वह धार्मिक समझे गए, क्योंकि ईश्वर ने उनका चढ़ावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण वह मर कर भी बोल रहे हैं। विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हेनोक आरोहित कर लिए गए। वह फिर नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए थे।
विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पाकर नूह ने अपना परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता के अधिकारी बने जो विश्वास पर आधारित है। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाले थे। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गए और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण उम्र डल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सके क्योंकि उनका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए एक मरणासन्न व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना वे सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे ये स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहाँ से वे चले गए थे क्योंकि वे वहाँ लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे, इसलिए ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था तब विश्वास के कारण उन्होंने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गए थे। यद्यपि उनसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा, इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। विश्वास के कारण इसहाक ने याकूब एवं एसाव को भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। विश्वास के कारण याकूब ने यूसुफ के हर एक पुत्र को आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपनी छड़ी की मूठ के सहारे झुककर ईश्वर की आराधना की। विश्वास के कारण यूसुफ ने मरते समय मिस्र से इसराइलियों के निर्गमन का उल्लेख किया और अपनी हड्डियों के विषय में आदेश दिया। विश्वास के कारण मूसा के माता पिता ने ये देखकर कि बच्चा सुंदर है उन्हें जन्म के बाद 3 महीनों तक छिपाए रखा और वे राजा के आदेश से भयभीत नहीं हुए। विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिराउन की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर के प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा मसीह के अपयश को अधिक मूल्यवान माना क्योंकि उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी। विश्वास के कारण उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया। वह राजा के क्रोध से भयभीत नहीं हुए बल्कि दृढ़ बने रहे, मानो वह अदृश्य ईश्वर को देख रहे थे। विश्वास के कारण उन्होंने पास्का मनाया और रक्त छिड़का जिससे विनाशक दूत इसराइलियों के पहलौठे पुत्रों पर हाथ न डाले। विश्वास के कारण उन लोगों ने लाल समुद्र पार किया,
मानो वह सूखी भूमि था। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करने की चेष्टा की तो वे डूब मरे। विश्वास के कारण यरीको की चार दीवारें गिर पड़ी। जब इसराइली 7 दिनों में 7 बार उसकी परिक्रमा कर चुके थे, विश्वास के कारण रहाब नामक वेश्या अविश्वासियों के साथ नष्ट नहीं हुई, क्योंकि उसने गुप्तचरों का स्वागत किया था। मैं और क्या कहूँ, गिदियोन, बराक, समसोन, यिफ्तह, दाऊद, सामुएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुख बंद किया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होने पर भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठ तर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदी गृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सभी अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचे। अध्याय 12। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाता है। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं, इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। क्या आप लोग धर्मग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? यदि आपको दूसरे पुत्रों की तरह दंड नहीं दिया जाता तो आप अवरस पुत्र नहीं बल्कि जारज संतान है। हमारे पार्थिव पिता हमें दंड देते थे और हम उनका सम्मान करते थे, तो हमें कहीं अधिक तत्परता से अपने आत्मिक पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए जिससे हमें जीवन प्राप्त हो। वे तो अपने अपने समझ के अनुसार इस अल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से दंड देते थे। ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी
बनाना चाहता है। जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाएं। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो, ऐसा कोई कड़वा और हानिकर पौधा पनपने न पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। आप लोगों में न तो कोई व्यभिचारी हो और न ऐसाव के सदृश कोई नास्तिक, जिसने एक ही भोजन के लिए अपना पहलौटे का अधिकार भेज दिया। आप लोग जानते हैं कि वह बाद में अपने पिता के आशीष प्राप्त करना चाहता था, किंतु ऐसा नहीं कर सका। यद्यपि उसने रोते हुए इसके लिए आग्रह किया तो भी वह अपने पिता का मन बदलने में असमर्थ रहा। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ न तो सिनाय पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, भवंतर तुरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इसराइली यह विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ न कहे, क्योंकि वे इस आदेश से घबरा गए। यदि जानवर भी इस पर्वत का स्पर्श करेगा तो वह पत्थरों से मारा जाएगा। वह दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठे, मैं भय से कांप रहा हूँ। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंतेश्वर के नगर, स्वर्गित यरूशलेम के पास पहुँचे, जहाँ लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त काबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। आप लोग सावधान रहें, आप बोलने वाले की बात सुनना अस्वीकार नहीं करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की वाणी को अनसुना कर दिया था, यदि वे नहीं बच सके तो हम कैसे बच सकेंगे? यदि हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की वाणी अनसुनी कर देंगे, उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था, किंतु अब वह यह घोषित करता है, मैं एक बार और न केवल पृथ्वी को बल्कि स्वर्ग को भी खिलाऊंगा। एक बार और, इन शब्दों से यह संकेत मिलता है कि सृष्टि की जो चीजें खिलाई जाएगी वे नष्ट हो जाएंगी और जो नहीं खिलाई जाएंगी वे बनी रहेंगी। हमें जो राज्य मिला है वह नहीं खिलाया जा सकता, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहें और उसकी इच्छानुसार भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उसकी सेवा करते रहें, क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है। अध्याय 13। आपका भ्रातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आदित्य सत्कार नहीं भूलें, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। आप बंदियों की इस तरह सुध लेते रहें मानो आप उनके साथ बंदी हों, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम
विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। नाना प्रकार के अनोखे सिद्धांतों के फेर में नहीं पड़े। उत्तम यह है कि हमारा मन भोजन से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से बल प्राप्त करें। भोजन संबंधी नियमों का पालन करने वालों को इनसे कभी कोई लाभ नहीं हुआ। हमारी भी एक वेदी है जो तंबू की धर्म सेवा करते हैं। उन्हें इस वेदी पर से खाने का अधिकार नहीं है। प्रधान याचक जिन बलि पशुओं का रक्त प्रायश्चित के रूप में मंदिर गर्भ में चढ़ाता है, उनके शरीर शिविर के बाहर जलाए जाते हैं। ईसा ने फाटक के बाहर दुख भोगा जिससे वे अपने रक्त द्वारा जनता को पवित्र करें। इसलिए हम उनके अपमान का भार ढोते हुए फाटक के बाहर उनके पास चलें, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को दिन रात आपके आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ न कि आहें भरते हुए पूरा कर सकें, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हमें विश्वास है कि हमारा अंतकरण शुद्ध है, क्योंकि हम हर परिस्थिति में सही आचरण करना चाहते हैं। मैं विशेष रूप से इसलिए आप लोगों से प्रार्थना का आग्रह करता हूँ कि मैं शीघ्र ही आप लोगों के पास लौट सकूं। शांति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करें, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वह ईसा मसीह द्वारा हम में वह कर दिखाए जो उसे प्रिय है। उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा, आमीन। भाइयों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस उपदेश का धीरज के साथ स्वागत करें। मैंने संक्षेप में ही आपको यह पत्र लिखा है। मुझे आप लोगों को एक समाचार सुनाना है। हमारे भाई तिमोथी रिहा कर दिए गए हैं। यदि वह समय पर पहुंचेंगे तो मैं उनके साथ आपसे मिलने आऊंगा। आपके सभी नेताओं को और सभी संतों को नमस्कार। इटली के भाई आप लोगों को नमस्कार करते हैं। आप सबों पर कृपा बनी रहें।